हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री अपनी ज्ञान आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिन नंबर कैसे अप्लाई करें। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं या फिर किसी एलएलपी में पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको डिन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी केस में डायरेक्टर बनने के लिए उसको डिन वर्ड यूज किया जाता है और एलएलपी केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है तो वहां पर आप इसको डीपिन भी यूज कर सकते हैं। दोनों सेम ही होते हैं, लाइफ टाइम होता है ये। एक बार आपको अलॉटमेंट हो जाता है, जैसे पैन कार्ड एक बार अलॉटमेंट होने के बाद लाइफ टाइम तक रहता है, इसी तरह से ये डिन नंबर भी आपको लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। पूरा प्रोसेस मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे चैनल पर आपको काफी वीडियो ऐसे मिलेंगे जो कि आपके यूज के होंगे, आपके बेनिफिट के लिए। काफी वीडियोज मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं तो आप जाकर इस पे चैनल पर देख सकते हैं। अपनी जैन के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट से एमसीए सर्विस में जाना है, www.mca.gov.in। आप ये आईडी नोट कर लीजिएगा, ये वेब एड्रेस आपको गूगल पर टाइप करना है और इसके थ्रू ही आपको सारा काम करना है, अपलोडिंग का भी, सारे फॉर्म कंप्लायंस का भी। किसी भी फेक वेबसाइट पर नहीं जाना है। ई फाइलिंग पर यहाँ पर आपको कंपनी फॉर्म डाउनलोड पर क्लिक करना है। फॉर्म का नंबर है DIR3, सी भी यूज नहीं करना है, KYC भी यूज करना है, दोनों कोई भी फॉर्म हमें यूज नहीं करना है। DIR3 जो सिंपल वाला फॉर्म है अलॉटमेंट के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बिफोर अपॉइंटमेंट इन एनी एग्जिस्टिंग कंपनी, तो ये वाला फॉर्म हमें जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको किसी भी फोल्डर में सेव कर लेना है, केवल लैपटॉप और पीसी पर ही ये फॉर्म ओपन होगा और मोबाइल में आप इसको नहीं ओपन कर पाएंगे, ना ही इसको एडिट कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ से मैंने फॉर्म ओपन कर लिया, पीडीएफ फॉर्म होगा, इसको ओपन कर लीजिए। बेसिक सी डिटेल्स एंटर करनी है और हैंड टू हैंड ये अपलोड होगा, हैंड टू हैंड आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। इस फॉर्म को भरने में 2 से 3 मिनट का टाइम आपको लगेगा, बस इसमें कुछ चीजों का इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। जो इंडियन नेशनल है, मीन्स जो इंडियन पर्सन है, उनके केस में इनकम टैक्स पैन कार्ड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको अलॉटमेंट हुआ हुआ है, सेम वही डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर वो आपने नहीं किया तो फिर आपको डिन नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि डाटा ऑटोमेटिकली फॉर्म के थ्रू लाइव वेरीफाई होता है। मोबाइल में तो ये फॉर्म ओपन होगा ही नहीं, आपके लैपटॉप या फिर पीसी में इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है। यहाँ से सबसे पहले आप ये काम कीजिएगा, कोई भी आपका जो फोटो है, फोटो यहाँ पर लिखा हुआ है अटैच लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो यहाँ से आपको फोटो यहाँ पर अटैच कर लेना है। बाकी अगर आपकी कोई सेल्फी है, सेल्फी में आपका फेस क्लियर आ रहा है तो वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, तो अगर आपका जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका नेम है रवि कुमार त्रिपाठी, तो फर्स्ट नेम में रवि, लास्ट नेम में त्रिपाठी, कुमार जो मिडिल नेम है वो यहाँ पर लिखना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है, जैसे रवि त्रिपाठी है तो रवि यहाँ पर लिखना है, त्रिपाठी आपको यहाँ पर लिखना है। फादर नेम में भी सेम ही फॉलो करना है, इवन मैरिड वुमेन के केस में भी उनके हस्बैंड का नेम नहीं आएगा, फादर नेम ही यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो सिटीजनशिप है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ये समझो कि आप इंडिया में सिटीजन है या नहीं है, नेशनलिटी यहाँ से लेनी है, रेजिडेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यस और नो, क्योंकि फॉरन जो फॉरनर्स होते हैं फॉरन नेशनल के केस में भी ये फॉर्म अपलोड होगा, वो भी यहाँ से डिन नंबर ले सकते हैं, उनके केस में आईडी जो है वो डिफरेंट यूज होगी, तो उनके पास जो भी ऑफिशियल आईडी होती है उस केस में वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसके केस में उनको इनकम टैक्स पैन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। बाकी रेजिडेंट के केस में इंडियन जो होते हैं उनके केस में पैन नंबर में जो डाटा है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको यूज करते हुए चलना है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ऑक्यूपेशन टाइप, कुछ भी ऑक्यूपेशन आपका हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, होममेकर, स्टूडेंट, सर्विसमैन, मतलब आप जो भी काम करते हैं उसको आपको बस केवल यहाँ पर बताना है। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, सिंपली है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको कोई जजमेंट होगा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए, डिन नंबर सबको अलॉटमेंट होगा, ऐसा उसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड में मेंशन है वो लेनी है, जेंडर यहाँ पर आप सबको सेलेक्ट कर लेना है। आईडी के केस में, इंडियन नेशनल केस में तो इनकम टैक्स पैन कार्ड मैंडेटरी है तो आईडी में यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आता है एड्रेस प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए 4 डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, चारों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एक यूज कर लीजिए, उसका नंबर यहाँ मेंशन कीजिएगा। नंबर मेंशन करने के बाद उसकी अटैचमेंट यहाँ पर नीचे लगानी होगी। पॉइंट नंबर 14 में परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो सेम लिखिएगा, अगर अलग अलग है तो अलग अलग ही दीजिएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आपकी एक्टिव हो केवल वही दीजिएगा, ईमेल पर ही आपको डिन अलॉटमेंट की ईमेल आएगी और लेटर भी वहीं पर आपको मिलेगा। फिर यहाँ से आपको ये चीजें आपको लिख लेनी है। फिर उसके बाद अटैचमेंट, जैसे मैंने बताया अगर आप इंडियन है तो यहाँ पर आप पैन कार्ड अटैच करेंगे, आईडी के रूप में तो
और रेजिडेंस के केस में आप जो है वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, किसी भी एक चीज को यहाँ पर यूज कर सकते हैं डीएल चार डॉक्यूमेंट में से। फिर यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और आप जिस भी एड्रेस पर रहते हैं वहां आपको एड्रेस यहाँ पर लिख लेना है। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। ऐसा तो नहीं कहीं आप डिस्क्वालीफाई हो फिर भी आप डिन ले रहे हैं गलती से, या फिर आपको नॉलेज नहीं है इस चीज की, तो फिर भी आप एक बार इसको रीड करके तभी आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज फ्यूचर में आपको नोटिस आ सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा कि आप कहीं डिस्क्वालीफाई तो नहीं है डिन लेने के लिए। एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है। डिजिटल सिग्नेचर के बिना आप डिन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब डिन फॉर्म आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो एक ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, पहले आप डिजिटल सिग्नेचर बनवा लीजिएगा, वो सिंपली यहाँ पर अटैच करना है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको करना है अभी। फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन कौन करेगा? आप जिस भी कंपनी में प्रपोज है, मतलब आप प्रपोज डायरेक्टर बनना चाहते हैं या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं एलएलपी में, दोनों में से कोई भी केस है, उस एग्जिस्टिंग कंपनी या एलएलपी के जो भी ऑथराइज पर्सन है, यहाँ पर मैं यूज करूँ ऑथराइज पर्सन वर्ड या फिर मैनेजर पर्सन भी यूज कर सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पर दी गई है डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, डेजिग्नेटेड पार्टनर। कोई भी एग्जिस्टिंग पर्सन उस कंपनी से रिलेटेड वो आपकी यहाँ पर हेल्प करेंगी, क्योंकि उनके डिजिटल सिग्नेचर भी यहाँ पर अटैच होंगे। उनका डिन नंबर या फिर डिपिन नंबर लिखना है, या फिर इनकम टैक्स पैन कार्ड भी उनका यूज हो जाएगा। सीओ सीएफओ कंपनी सेक्रेटरी उनका पैन नंबर लिखना है, और वो जिस कंपनी में सीओ सीएफओ, मतलब जिसमें आप अभी प्रपोज हैं कि आप डायरेक्टर बनने जा रहे हैं या फिर पार्टनर बनने जा रहे हैं एलएलपी में, उसका यहाँ पर नंबर लिखकर रिफिल करना है। रिफिल करने के बाद पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, चेक फॉर्म पर क्लिक करना है। कोई गलती या मिस्टेक होगी तो फॉर्म में यहाँ पर नोटिफाई होगी, उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ से सेव एज करते हुए फॉर्म को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको जो है यहाँ से फॉर्म को प्रिस्क्रूटनी करना है। प्रिस्क्रूटनी पर क्लिक करेंगे, कोई प्रिस्क्रूटनी एरर नहीं होना चाहिए। एक चीज आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जो सामने वाले पर्सन है जिसके डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप ये फॉर्म लेने जा रहे हैं, उनका डिजिटल सिग्नेचर इस डिन नंबर या पैन नंबर के अगेंस्ट में एमसीए पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको रजिस्टर करवा लीजिएगा, उनकी हेल्प के थ्रू वो हो जाएगा इजिली। अब ये फॉर्म आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आप उसको अपलोड करेंगे एमसीए के पोर्टल पर। एमसीए की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ से आपको लॉग इन, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऊपर, यहाँ से साइन इन पर क्लिक करते हुए आपको यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉग इन कर लेना है। अगर आपने अभी तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बनाया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोज में बताया हुआ है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, रजिस्टर्ड यूजर, इस पर आप नेम, एड्रेस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये एंटर करेंगे, और उसके बाद जो है एक यूजर आईडी क्रिएट कर लेंगे। यूजर नेम यूनिक होना जरूरी है, हम यहाँ पर पैन और नेम का कॉम्बिनेशन से क्रिएट कर लेते हैं ताकि वो यूनिक रहे। पासवर्ड एंटर करके जो ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे उस पर आपको आपका यूजर नेम मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर लॉगिन करना है, लॉगिन करके अपलोड फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से अपलोड फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, अपलोड फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म सेलेक्ट करना है, ब्राउज करते हुए फॉर्म को अपलोड कर देना है। उसके बाद एक नॉमिनल सी फीस आएगी 500 रुपीज की, वो आपको पे कर देनी है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड वहां पर यूनियन बैंक या फिर आईसीआई बैंक शो करेगा, पर लेकिन सभी बैंकों के वहां पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल है, आप यूज करिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग में केवल ऑलरेडी डिफाइंड वहां पर होंगे, तो केवल वही आप यूज करते हुए उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सक्सेसफुली पेमेंट कर देंगे, आपको हैंड टू हैंड 2 सेकंड के अंदर आपको डिन नंबर अलॉटमेंट हो जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस था डिन नंबर लेने का या डीपिन नंबर लेने का। उसके बाद आप सिंपली फॉर्म फाइल करिएगा। फॉर्म अपॉइंटमेंट के लिए DIR-12 एक फॉर्म होता है, ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है कि किस तरह कंपनी में डायरेक्टर को अपॉइंट करना है या एलपी में पार्टनर को अपॉइंटमेंट करना है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ये भी आप खुद से कर सकते हैं, इसमें भी किसी भी प्रोफेशनल की आपको हेल्प की लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करते हुए उस फॉर्म को भी अपलोड कर दीजिएगा, वो भी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के बेस पर हैंड टू हैंड अप्रूव हो जाता है। एमसीए पोर्टल पर लाइव डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। तो एक कंप्लीट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपको डिन नंबर अप्लाई करना है खुद से। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे ईमेल करिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी उसमें पूरी हेल्प की जाएगी। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। काफी सारी वीडियो है, प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। काफी सारी वीडियोज आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पर अपलोड की गई है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।